ये एक कपल है जिनके बारे में मैं आज बता रही हूं। इस कपल की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इनमें इनको बच्चा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई लेडी को। अभी तक सिर्फ लेडी का ही इलाज हो रहा था, पुरुष का इलाज नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से आज पता चला है कि पुरुष में जो कमी है उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगी जो पुरुष करते हैं जिनकी वजह से लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। हर इन्फर्टाइल कपल, जिस निसंतान कपल में से 50% कपल्स में पुरुषों में प्रॉब्लम होती है। और पुरुषों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुरुषों में ये है, जो उनका खान पान है, जो उनका मोटापा है, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई भी नशा पत्ती करते हैं, तो आदमी के जो स्पर्म्स होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, जो स्पर्म्स इस यूट्रस के अंदर जाते हैं, वो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। सो पहला है खान पान। दूसरा, क्योंकि ये एक ट्रक ड्राइवर थे और कंटिन्यूसली बड़ी गर्मी में ये ट्रक चलाते रहे और बैठे रहते थे, कई बार इन्होंने मोटरसाइकिल भी घंटों चलाई है, जो आगे वाला हिस्सा था, जो नीचे वाला हिस्सा होता है आदमी का, अगर वो ज्यादा, जो टेस्टिस होती हैं उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर होती हैं, अगर वो ज्यादा गर्मी में रहेगी तो जो स्पर्म्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। हमेशा ऐसी एनवायरनमेंट में आदमी को रहना चाहिए ताकि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ठंडा रहे। तो ज्यादा गर्मी की वजह से भी स्पर्म्स डैमेज हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई, इतने सालों से इन्होंने अपना टेस्ट ही नहीं करवाया, इनको लगा मैं तो ठीक हूं, मेरी वाइफ में ही प्रॉब्लम होगी। ये भी एक कारण था कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। जो आदमी बहुत फ्रीक्वेंटली हस्बैंड वाइफ में ये गलती आदमी करते हैं कि वो अपना टेस्ट ही नहीं करवाते जब उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद दूसरी चीज और है कि जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है, अगर लेडी की एज 35 से ऊपर है, तो जितने भी टेस्ट हैं बच्चा होने के लिए, आदमी के भी, पुरुष के भी और औरत के भी, लेडी के भी, साइमल्टेनियसली होने चाहिए। एक के बाद एक में टाइम निकल जाता है, बिकॉज जो अंडों की क्वालिटी है वो 35 की उम्र के बाद डाउन हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर पुरुष टाइम ना गवाएं और अगर वो उनके पार्टनर की एज 35 के आसपास है तो वो जल्दी अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती आदमी करते हैं कि जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए, इन केस वो टेस्ट कराते हैं उनका स्पर्म्स का लेवल डाउन आता है, तो वो झोला छाप डॉक्टर पे या एक ऐसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, और जिनका उससे क्या है कि उनको ये समझ नहीं आती कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है स्पर्म्स बनने का, स्पर्म्स बनते जरूर अंडेदानी टेस्टिस में है, टेस्टिस से आके वो एपिडिडमिस में रहते हैं जहाँ पे उनकी पूंछ बनती है, पूंछ बनने के बाद फिर वो एक लंबी नल की वास डिफरेंस से होते हुए ये पूरा एक रास्ता तय करते हुए प्रोस्टेट की पाइप में से निकलते हुए फॉर नीचे बाहर बाहर पीने से बाहर आते हैं। एक झोला छाप को ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम अंडेदानी में हो सकती है जिसके लिए हॉर्मोन्स चेक होने चाहिए, इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से स्पर्म्स चेक होने चाहिए, इन्फेक्शन का क्योर होना चाहिए, या ये नलकी ब्लॉक हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि वास डिफरेंस बंद हो गई है, इसका इलाज होना चाहिए, या यहाँ इस पाइप में दिक्कत हो सकती है जिसका इलाज होना चाहिए। जो सबसे बड़ी कारण और है कि आदमी को कभी भी प्रॉब्लम होती है तो वो ये गलती करता है कि उस प्रॉब्लम को इग्नोर करता है, उसको नीचे प्रेशर फील होता है, नीचे उसकी नसें फूल जाती हैं, उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका इलाज नहीं हो पाता, तब भी उसको इनफर्टिलिटी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और जो 5वां कारण, जो सबसे कॉमन कारण आजकल देखने में आ रहा है, कि कई बार आदमियों के मल्टीपल संबंध होते हैं जिसकी वजह से उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती हैं। बिकॉज लेडी के योनि द्वार से आदमी को इन्फेक्शन हो जाती है और उसकी वजह से ही वो इन्फेक्शन जब आदमी के दूसरे ये वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देती है, और तो जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से निल स्पर्म्स हो जाते हैं। तो चाहिए कि आदमी अपने जो पार्टनर्स हैं वो सिंगल पार्टनर रखे। और कई बार क्या होता है कि आदमी हस्त मैथुन और मैस्टर्बेशन ज़्यादा करते हैं तो उससे वो थक जाते हैं, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से भी उनको निल स्पर्म्स हो जाते हैं।
इन सब में पेशेंट को कभी भी कोई ज्यादातर दिक्कत नहीं होती है, सिम्टम उसको कोई नहीं होंगे। अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते तो वो अपना इलाज भी नहीं कराता। अब आज जो मैंने ये प्रॉब्लम्स बताई हैं जिनकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, इनको अगर हम केयर लेते हैं, इनका टाइमली हम इलाज करते हैं, तो जो इनफर्टिलिटी के डॉक्टरों पे हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उससे हम बच जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को फैलाइए और इसका फायदा उठाइए।